हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 8, बर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ओपन योर बुक, लेट्स सी ऑन द पेज नंबर 79 एंड अवर टॉपिक इज फीट एंड क्लॉ। फीट एंड क्लॉ। बर्ड्स यूजली हैव टू फीट एंड विद फोर टोएज ऑन ईच। बर्ड्स के पास दो पैर और चार पंजे होते हैं, उंगलियाँ होती हैं पैर के नाखून को, टोएज बोलते हैं। दे यूज देयर फीट एंड क्लॉज इन वॉकिंग, क्लाइंबिंग, होल्डिंग फूड, स्विमिंग एंड पर्चिंग। वे यूज करते हैं अपने पैरों का, नाखूनों का, चलने में, चढ़ने में, पकड़ने में फूड को, स्विमिंग तैरने में और पर्चिंग शिकार को पकड़ने में। द शेप ऑफ देयर फीट एंड क्लॉज डिपेंड्स ऑन देयर फूड हैबिट। उनके पैर और नाखून की बनावट जो होती है वो डिपेंड करती है उनके फूड हैबिट पर। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स और प्रेइंग बर्ड्स, मांस खाने वाले बर्ड या फिर प्रेइंग बर्ड्स जिसे शिकारी बर्ड कहते हैं। फ्लैश ईटिंग और प्रेइंग बर्ड्स सच एज वल्चर, ईगल, हॉक, पीकॉक एंड आउल फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ये दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलन। ये उनके पास स्ट्रॉन्ग एंड शार्प तेज धार नुकीले पंजे होते हैं जिसे टैलन्स कहते हैं। दे यूज देम टू कैच एंड होल्ड द प्रे फर्मली। ये यूज करते हैं और कैच करते हैं, होल्ड द प्रे फर्मली, अपने शिकार को अच्छे से पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं। टर्न योर पेज, सी ऑन द पेज नंबर 80। ओपन योर बुक, पेज नंबर 80। पर्चिंग बर्ड्स। बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो एंड पीजन यूज देयर फीट फॉर होल्डिंग ऑन द ट्री एंड सिट ऑन देम। ये ट्री को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं और उस पर बैठते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्चिंग, मतलब पकड़ना। सच बर्ड्स हैव ट्री टोएज पॉइंटिंग फॉरवर्ड विथ वन अपोजिंग टोए। कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो तीन उंगलियाँ जो होती हैं उनकी पॉइंटिंग फॉरवर्ड आगे की ओर होती हैं और वन पॉइंटिंग टोए पीछे की तरफ होती है उनकी पंजे। इट हेल्प्स देम स्क्रैप देयर पर्च, अपने शिकार को पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं। फिर है क्लाइंबिंग बर्ड्स, ऊपर चढ़ने वाले बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स सच एज जैसे वुड पीकर, पैरट हैव टू टोएज पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड टू बैकवर्ड। जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं ऊपर की, जैसे वुड पीकर है और पैरट है, इन दोनों के पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड टू बैकवर्ड, पॉइंटिंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड और दो बैकवर्ड नाखून होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ क्लॉज हेल्प बर्ड टू ग्रेस्प ट्री बार्क एंड क्लाइंब ऑन ट्री। इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं उनके जो पंजे होते हैं ग्रेस्प ट्री, ट्री को पकड़ते हैं और उनकी छाल पर चढ़ते हैं पेड़ों पर। नेक्स्ट स्विमिंग बर्ड्स, जो तैरने वाली बर्ड्स होती हैं लाइक डक्स एंड पेंगुइन हैव वेव्ड फीट। कैसे होती हैं उनके पैर जो होते हैं वेव्ड फीट, मतलब जाली नुमा पैर होते हैं उनके। इन सच फीट द फ्रंट ट्री टोएज आर जॉइंटेड विद थिन स्किन। इन सच फीट, इस तरह के जो पैर होते हैं फ्रंट थ्री टोए, आगे तीन पंजे होते हैं और जॉइंट होते हैं उनकी स्किन से। इट हेल्प्स टू पुश वाटर, हेल्प करते हैं पुश वाटर को ढकेलने के लिए ड्यूरिंग स्विम। जब वो तैरती हैं इस तरह से तो जो पंजे होते हैं उनमें जाली नुमा बने होते हैं, वेव जाल होती हैं, वाटर इधर से आता है उधर से निकल जाता है। इसी को स्विमिंग बर्ड्स के पैर इस तरह से वेव की तरह होते हैं, जाल आगे तीन है उसमें जाले लगी हुई है। फिर है वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स सच एज क्रेन्स एंड हीरोन्स हैव लॉन्ग लेग्स। इनके लंबे पैर होते हैं एंड वाइड स्प्रेड टोएज, और इनके फैले हुए नाखून होते हैं। सच लेग्स एंड टोएज हेल्प देम टू वॉक इन सॉलो वाटर एंड मड। इस तरह के जो पैर होते हैं और इनके पंजे होते हैं हेल्प करते हैं उन्हें वॉक इन सैलो वाटर एंड मड, पानी और चलने के लिए। लेट्स सी द पेज नंबर 81। स्क्रैचिंग बर्ड्स, स्क्रैच मतलब कुरेदना।
Birds like hens, quails, roosters, peacock scratch the ground to take out worms and insect. Worm और insect को मिट्टी से निकालने के लिए scratching bird मतलब मिट्टी को खोदते रहते हैं. They have sharp claws, उनके नाखून जो होते हैं sharp होते हैं. Dig the ground, ग्राउंड में गड्ढे करते हैं. A hen's claw work like a toggles when it scratches the mud. हेन की जो पंजे होते हैं वर्क करते हैं टॉवेल व्हेन इट स्क्रेचेस द मड, जब ये स्क्रेच करती मड मिट्टी को. आइडेंटिफाई द बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डिस्क्रिप्शन, दिए हुए डिस्क्रिप्शन के आधार पर आप इस बर्ड को पहचानिए. एंड डू इट इन योर बुक, लुक एट द बोर्ड एंड सी, राइट इन योर बुक सी फ्रॉम द बोर्ड. ओके, दिस क्वेश्चन इज राइट. Identify the bird and on the basis of given description. यहाँ पर description दिया है, इसलिए पढ़ के आपको पहचानना है कि वो कौन सी bird है. First is, देखिएगा page number
दीज आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, ये बड़े और मजबूत होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, ये बर्ड को उड़ने में हेल्प करते हैं। द फ्लाइट फीदर्स एट टेल आर यूज फॉर स्ट्रिंग एंड ब्रेकिंग, जो फ्लाइट उड़ने वाले पंख होते हैं उनके पूंछ से लगे होते हैं, वो उन्हें ब्रेक लगाने में और स्ट्रिंग करने में हेल्प करते हैं। डाउन फीदर्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं, फ्लफी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। दे कीप द बर्ड वार्म, ये बर्ड को गर्म रखते हैं। हमिंग बर्ड्स कैन स्टे इन वन प्लेस इन द एयर बाय बीटिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को कम से कम 12 से 90 बार पर सेकेंड में बीट करते हैं। हमिंग बर्ड कैन स्टे, रह सकते हैं वन प्लेस, एक ही जगह पे अपने रह सकते हैं, वो 90 बार अपने पर सेकेंड में अपने पंख को फड़फड़ाकर। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके।